देवास जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत जिला स्तरीय विवाह समारोह खातेगांव में आयोजित किया गया। जिला स्तरीय विवाह समारोह खातेगांव में 137 जोड़ों ने नव दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। विवाह समारोह में वन मंत्री विजय शाह, सांसद विदिशा, रमाकांत भार्गव, विधायक खातेगांव आशीष शर्मा ने वर वधु को आशीर्वाद दिया और सामग्रियां प्रदान की। विवाह समारोह में जोड़ों को 11,000 का चेक एवं 38,000 की सामग्रियां भेंट की। समारोह में एक ही छत के नीचे एक तरफ वैदिक विधि विधान के साथ अग्नि को साक्षी मानकर वरवधु ने सात फेरे लिए। वहीं दूसरी ओर निकाह का आयोजन भी हुआ। आयोजन अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार आयोजित कराए गए। वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि गरीब बेटी की शादी में पहले आदिवासी परिवारों के जेवर साहूकारों के यहाँ गिरवी रखना पड़ते थे, तब विवाह रस्म होती थी। आज सरकार ने पुनः विवाह की योजना को प्रारंभ कर हर घर में खुशियां पहुंचाई है। आज हजारों बेटियों के विवाह सामूहिक विवाह में हो रहे हैं। नव दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, ऐसी हम सब कामना करते हैं। सांसद भार्गव ने विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के अभिनव योजना पुनः प्रारंभ की गई और आज सभी समाज के सभी वर्ग के वर वधु यहाँ परिणय सूत्र में बंध रहे हैं। आने वाली 20 तारीख को खातेगांव में 500 जोड़ों का विवाह समारोह का आयोजन होगा। विवाह समारोह में जनप्रतिनिधियों ने विधायक आशीष शर्मा की कन्यादान पहल पर नगद राशि 1,00,000 रुपए से अधिक की राशि एकत्रित कर सभी कन्याओं को कन्यादान स्वरूप भेंट की। इस दौरान गोपाल आचार्य, जनपद अध्यक्ष गुलाब बाई, जिला पंचायत CEO प्रकाश सिंह चौहान, खादीगांव SDM त्रिलोचन गोड़, तहसीलदार सुनील गुहा, जनपद CEO अंकिता अलावा, खादीगांव CMO अनिल जोशी, सभी समाज जन सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से लगभग 137 जोड़ों का विवाह निकाह यहाँ खातेगांव मंडी प्रांगण में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह जी, हमारे क्षेत्रीय सांसद माननीय रमाकांत भार्गव जी एवं कई गणमान्य अतिथियों की गौरवमयी उपस्थिति यहाँ रही। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज के सभी वर्गों के कन्याओं का यहाँ पर विवाह हुआ। दूर दूर से वर वधु यहाँ पर पधारे, उनका हमने पाणी ग्रहण संस्कार यहाँ पर सम्पन्न कराया और उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो 55,000 की राशि इस एक पक्ष को देने का निर्देशित किया गया है, वो राशि भी हमने यहाँ पर उन्हें चेक और सामग्री के रूप में प्रदान की। निश्चित ही आज बड़ी प्रसन्नता है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में जब एक कन्या का कन्यादान करता है तो उसके मन में बड़ा संतोष होता है। मैं समझ सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में क्या भाव उमड़ रहे होंगे जब हजारों की संख्या में पुनः इस मध्य प्रदेश की धरती से कन्याओं का विवाह किया जा रहा है, कन्याओं को लाडली लक्ष्मी बनाया जा रहा है। आज उसका भी कार्यक्रम बहुत बड़ा मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। निश्चित ही इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गांव, गरीब और किसान हितैषी सरकार माना जाता है। मान नर्मदा का आशीर्वाद था। खानपुर जी विधायक जी लोग साथ में है और उन्हें शिवराज सिंह चौहान जब चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उन्होंने जो अपना धर्म था, जो अपना फर्ज था, तो पूरी ईमानदारी से निभाते हुए हर समाज की कन्याओं की शादी के लिए बीड़ा उठाया। 55,000 रुपए की शादी खर्चा बड़े हमारे शिवराज जी की उपाय है। आज गरीब के माथे पर बच्चे की शादी के समय माथे पर कर्जे का बल नहीं पड़ रहा है, ये सारा कुछ अगर हो रहा है तो शिवराज सिंह चौहान और हमारे सांसद विधायक जी कुशल सुत में पूरी टीम के साथ की मैं सभा खाली हूँ। गोविंद भैया के साथ भी मैं विधायक रहा और आशीष जी के साथ भी दूसरी बार विधायक हूँ। दूसरी बार तीसरी बार तीसरी बार भी हो जाओगे। गोविंद भैया के जो कर्म थे इसमें छुपे नहीं। एक ऐसा ब्राह्मण व्यक्ति जिसने कर्म को पूजा बनाकर जनता की सेवा करी, आज उनके पुत्र के रूप में हमें दूसरे गोविंद जी मिले हैं। मेरे छोटे भाई ही नहीं है और पूरी शिद्दत चिंता कर रहे हैं और शिवराज जी की योजना को काम पर चलाने में उनकी पूरी टीम का, सांसद जी की टीम का पूरा हाथ है। हम आज के दिन नव विवाहित जोड़ों को ऊपर वाले से ही कामना करते हैं। नव जीवन में प्रवेश हो रहे हमारी सारी बहनें का जीवन खुशहाल हो और उनके जीवन में तरक्की हो। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।